बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। दिस टॉपिक इज मेंशन इन चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस ऑन पेजेस 26 एंड 27। देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स। हमारी बॉडी के अंदर जो गुर्दे होते हैं वो दो तरह से नकाइस या नुक्स या बीमारी का शिकार होते हैं। यानी गुर्दों के अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीज़ हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इनमें द फर्स्ट कैटेगरी इज़ किडनी स्टोन्स, जिसे हम गुर्दे की पथरी भी कहते हैं। वाइल ऑन द अदर साइड किडनी फेलियर, जिसको हम रीनल फेलियर कहते हैं, जिसमें खुदा न खास्ता किसी भी वजह से एक या दोनों गुर्दे यानी किडनीज नाकारा हो जाते हैं, यानी काम करना छोड़ देते हैं। तो गुर्दे का पार्शली या कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाना या काम करने से इनकार कर देना, ये कंडीशन रीनल फेलियर यानी गुर्दों का फेल होना कहलाती है। इन दिस पार्ट ऑफ लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस द किडनी स्टोन्स। मीन्स स्टोन्स का मतलब यह है कि पत्थरी, पत्थर नहीं कहेंगे हम, पत्थरी कहेंगे, और गुर्दे की पत्थरी को इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट किडनी डिसऑर्डर इज कॉल्ड किडनी स्टोन, विच इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड व्हेन यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स सच एज कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड इन इट। Such large crystals cannot pass in urine and form hard deposits called kidney stones. सबसे पहले जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है बेटा, वो है फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, कि किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, किडनी स्टोन्स क्या हैं। तो जब यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है यानी गाढ़ा हो जाता है, तो इसके गाढ़े होने की वजह क्या होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स के जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं यानी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और इनके बकायदा बनने का अमल शुरू हो जाता है, जिनमें कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट जैसे सॉल्ट्स और यूरिक एसिड नामी भी एक केमिकल सब्सटेंस आकर बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़े क्रिस्टल्स यानी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से बड़े साइज़ के क्रिस्टल जो हैं वो यूरिन में पास नहीं हो पाते और बहुत सख्त किस्म की डेपोजिशन बना देते हैं, कलेक्शन बना देते हैं और एक जगह आके जमा हो जाते हैं, और इस एक जगह इन सख्त डिपॉजिट का जमा होना किडनी स्टोन्स का सबब बन जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द किडनी स्टोन इज़ लोकेशन। मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, ज़्यादातर जो किडनी फॉर्मेशन या किडनी स्टोन फॉर्मेशन का जो अमल है वो किडनीज़ में होता है, बट सम मे ट्रैवल टू द यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन इनमें से बहुत सारे स्टोन्स जो हैं वो यूरेटर यानी जो गुर्दे की नालियां होती हैं और साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन आकर स्टोर होता है टेम्परेली, वहां पर भी ये स्टोन्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किडनीज़ के अलावा यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। नाउ द मेजर कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी स्टोन्स, वो अहम असबाब या वजूहात जिनकी वजह से गुर्दे की पथरी वाक़ हो जाती है या पैदा होती है। सो द नंबर वन इज़ एज, यानी बढ़ती हुई उम्र। मोस्टली जो है वो देखा गया है कि 40 या 45 ईयर्स की एज या एज उसके बाद भी जो किडनी स्टोन्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, स्पेशली मेन और वेमेन दोनों में। नंबर सेकेंड इज़ डाइट, इन विच द ग्रीन वेजिटेबल्स की ज़्यादा जो है कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर किया जाए, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जिन्हें सब्ज पत्तों वाली सब्ज़ियाँ कहते हैं, या सब सब्ज़ियाँ, नमकियात, नमक का इस्तेमाल, विटामिन या वाइटामिन सी एंड डी का इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा मकदार में किया जाए, तो ऐसी डाइट यानी ऐसी ख़ुराक से भी किडनी स्टोन्स पैदा हो सकते हैं। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि ये सॉइल के कांटेक्ट में पैदा होती हैं, कल्टीवेट होती हैं, तो अगर इनको प्रॉपरली जैसे आप वॉश ना करें तो मिट्टी जो है वो फिर
खाने के साथ हमारे मुंह में और फिर हमारे पेट में और इस तरीके से किडनी तक पहुंच जाती हैं, जिसके बाद किडनी इन जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर फिल्टर नहीं कर पाता और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हार्ड डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा यही एहतियात की जाती है कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छी तरीके से वॉश करके अच्छी तरह से धो कर इस्तेमाल किया जाए, ताकि जितने भी इस पे मिट्टी के जो ज़र्रात हैं या सॉइल है वो सारी साफ़ हो जाए। इसमें आपके स्पिनच, लेटस, जो सलाद के पत्ते, आपने यकीनन जो धनिया वगैरह जो भी आपकी नहीं ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ की होंगी, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना ये भी एक हद से ज़्यादा ख़तरनाक है, और साथ साथ इनको अच्छी तरह से वॉश ना किया जाए तो भी स्टोन डिवेलप हो सकते हैं। देन थर्ड वन इज़ द रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी बार बार होने वाले जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है कि इसमें आपके जो मेन पार्ट्स हैं जिसमें किडनीज़ की यूरिटर्स हैं, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, तो इन तमाम पार्ट्स में अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहे हो किसी वजह से तो ये भी किडनी स्टोन्स का सबब है। देन वी हैव नंबर फोर, लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी की अगर जिस्म में कमी हो जाए या पानी आप बहुत कम इस्तेमाल करें तो उससे भी किडनी स्टोन डेवलप होने का ख़तरा मौजूद होता है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन मींस के ऐसे ऐसे अफराद जो कि गैर इस्लामी तरीके ज़िंदगी अपनाए हुए हैं, यानी जो चीज़ इस्लाम ने हराम करार दी है जैसे अल्कोहल वगैरह, तो ये अगर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या इसका ज़रा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले अफराद में भी ज़्यादा से ज़्यादा किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ सिम्टम्स, एंड द सिम्टम्स नॉर्मली इंडिकेट अलामात, यानी वो कौन से साइंस हैं, वो कौन से अहम निशानात हैं जिनसे पता चलता है कि किसी भी पेशेंट को गुर्दे की पथरी हो गई है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, स्वेयर पेन इन किडनीज और इन लोअर एब्डोमेन। जो सबसे पहली अलामत ज़ाहिर होती है किडनी स्टोन्स की वो किडनीज में या किसी एक साइड पे, किडनी में ज़रूरी नहीं कि दोनों साइड पे हो, किसी एक तरफ में किडनी में जो है वो बहुत ही शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है, और ये तकलीफ़ लोअर एब्डोमेन में भी हो सकती है, यानी पेट के निचले हिस्से में। सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार यूरिन जो है या यूरिन का आना, और साथ साथ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब है मतली होना या कह आना, या जिसे दिल मतलाना कहा जाता है, या वॉमिटिंग का सिंपल मतलब आप लेना है मतली आना, यानी खाने पीने का जिसमें दिल ना करे। फोर्थ वन इज़ फाउल स्मेलिंग यूरिन, और फाउल स्मेलिंग यूरिन क्या है कि जिसमें यूरिन जब हो तो यानी पेशेंट को ये फील हो कि उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल है, यानी फाउल स्मेलिंग का मतलब बहुत ही नाखुशगवार स्मेल, फाउल का मतलब बुरी स्मेल, यानी जो कि बर्दाश्त के काबिल ना हो। एंड विद ब्लड एंड पस, और ये स्मेल यानी यूरिन कैसा होगा, यूरिन के साथ साथ ब्लड और पीप, यानी खून और पीप का आना भी इस मर्ज यानी इस बीमारी की अहम अलामात में शामिल है। नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ द लास्ट वन इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग अब आपकी है ट्रीटमेंट, यानी किडनी स्टोन्स का इलाज कैसे किया जा सकता है। सो देर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर वन, बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। नंबर टू, सर्जिकल ट्रीटमेंट। एंड नंबर थ्री, लिथोट्रिप्सी। इन फर्स्ट ट्रीटमेंट और मेथड, बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बेसिकली 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स, 90% आई एम टॉकिंग अबाउट, 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। यानी तकरीबन आपके जो किडनी स्टोन्स के 90% है, यानी 100% में से 90% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो आपकी किडनी में वॉश हो सकते हैं, यानी बिल्कुल किडनी साफ़ हो सकती है, जो कि किस तरह से मुमकिन हो सकती है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इनटेक रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन जो है वो 90% आपकी किडनी से रिमूव हो जाते हैं। कहाँ रिमूव होते हैं? इन यूरिन आपकी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। सेकेंड मैथड इज़ कॉल्ड द सर्जिकल ट्रीटमेंट। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट बेसिकली द एरिया
विच इज़ अफेक्टेड, दैट इज एरिया ऑफ द किडनी विच इज़ अफेक्टेड इज ओपन एंड स्टोन्स आर रिमूव. सो इट इज़ लिटिल बिट टीजिंग फॉर द पेशेंट. यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में बाकायदा तौर पे जब ये पता चल जाए कि किडनी जो है वो उसमें स्टोन्स पैदा हो गए हैं, तो डॉक्टर्स या जो सर्जन्स होते हैं वो बाकायदा तौर पे ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, ऑपरेशन के ज़रिए कट ओपन करते हैं. यानी उस एरिया में जो इफ़ेक्टेड होता है बाकायदा किडनीज की ऊपर जो स्किन होती है उसको बाकायदा काटते हैं, कट करके उसको ओपन करते हैं और जहाँ पर किडनी स्टोन्स लोकेट होते हैं वहाँ से उन किडनी स्टोन्स को रिमूव करते हैं. बाकायदा वो एक पूरा स्टिचिंग का प्रोसेस होता है कि स्टिचेस वगैरह लगा दिए जाते हैं जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे एक प्रोसेस होता है. लिहाजा थर्ड मेथड जो है वो अब ईजाद हुआ है जिसको लिथोट्रिप्सी का मेथड कहा जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन. सो बेसिकली व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी? इट इज़ द मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ अगेन किडनी स्टोन्स. एंड व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस यू हैव टू डिफाइन नाउ. इन दिस प्रोसेस, इन दिस मेथड, बेसिकली नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक्स, आई एम नॉट राइटिंग द फुल डेफिनेशन बट यू विल स्टार्ट फ्रॉम definition from here, that lithotripsy is the method for the removal of kidney stones. In this method basically non-electrical shocks, yani aisi shocks nahi hoti jinme electric current ka istemal ho, to non-electric shock waves jinhe kaha jata hai, yani ek tarike se lehrein from outside, yani jism se bahir, outside आर बम्बार्डेड, उनको टकराया जाता है ऑन द स्टोन्स. उनको कहाँ टकराया जाता है, उनको कहाँ उनकी कोलिजन होती है, ऑन द स्टोन्स. यानी किडनी में जहाँ स्टोन्स मौजूद होते हैं वहाँ इन नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स को जिस्म के बाहर से बम्बार्ड यानी कोलाइड करवाया जाता है, उनको उनसे टकराव करवाया जाता है. एंड इन द यूरिनरी सिस्टम नॉर्मली दिस प्रोसेस अकर्स, कहाँ होता है, इन द यूरिनरी सिस्टम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. फाइनली दीज वेव्स, अब ये वेव्स जो हैं, ये जो लहरें होती हैं या मौजें होती हैं या एक तरीके से जो वेव्स बन रही होती हैं, दीज वेव्स हिट द स्टोन्स. ये बहुत ज़ोर से जो है वो स्टोन से आके जो है वो टकराती हैं और उनको तोड़ देती हैं, एंड ब्रेक देम, एंड ब्रेक देम. यानी इनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे ही स्टोन से टकराती हैं फौरन उन्हें यानी स्टोन्स को तोड़ देती हैं. एंड दीज स्टोन्स फाइनली बिकम्स, और स्टोन्स बिकम सैंड लाइक. अब पहले तो ये हार्ड होते थे, अब कैसे होगा, ये बिल्कुल ऐसे जैसे रेत की तरह, सैंड लाइक, एंड आर पास्ट थ्रू यूरिन. और फिर कहाँ से ये बॉडी से पास आउट होते हैं, बॉडी से कैसे बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, थ्रू यूरिन. सो वेरी सिंपल टेक्निक, सिंपल मेथड इन विच विदाउट एनी पेन विच एक्चुअली फेस बाय द पेशेंट इन सर्जिकल ट्रीटमेंट. लिथोट्रिप्सी का मेथड इतना पेशेंट के लिए विदाउट पेन एक ऐसा मेथड है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को जिस्म के बाहर से स्टोन्स पर यानी यूरिनरी सिस्टम में स्टोन्स पर बाकायदा तौर पे गिराया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है इस इन वेव्स के, जो कि हमें नज़र भी नहीं आती हैं, इन वेव्स के जैसी ही स्टोन से एक हिटिंग होती है, एक कोलिजन होती है, ये स्टोन्स को तोड़ देती हैं. ये स्टोन्स पे कैसे बन जाते हैं, बिल्कुल सैंड लाइक हो जाते हैं, रेत के ज़र्रात की तरह हो जाते हैं. बड़े से बड़ा जो स्टोन होता है, पत्थर भी बना होता है, तो वो भी पाश पाश हो जाता है. जिससे हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि रेत की तरह या पत्थर का पाश पाश हो जाना, तो रेत की तरह हो जाना, एंड आर पास थ्रू द यूरिन. और फिर ये यूरिन से, ये जितने भी सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, ये यूरिन से जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं. इस तरह एक आसान मेथड है किडनी डिसऑर्डर में किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने का, दैट इज़ कॉल्ड लिथोट्रिप्सी.